हमारा व्यू बढ़े। किस मुद्दा पे आप मनीष कश्यप का विरोध करना लेकर हैं? आप बोलते हैं मनीष कश्यप आरएसएस का लोग है, आप बोलते हैं मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मनीष कश्यप का जो 18 केस है उसमें से 4 केस मुस्लिम को समर्थन करने के लिए बिहारी हैं। अच्छा अच्छा बिहारी हैं, तो मतलब बिहारी लोगों को बिहार से बाहर में इस तरह से देखा जाता है ना, जैसे कि हम लोग कुछ कुकर्म करके बिहार में एक चीज हो गया है, या तो मनीष कश्यप का सपोर्ट करो नहीं तो विरोध करो, दोनों चीज में से एक ही करना है आपको, बीच का ऑप्शन नहीं है कि उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो विरोध जो सारा यहाँ पे बहुत सारा बॉलीवुड के एक्टर आते हैं लेकिन कोई कब आया कब चला गया कोई जानता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन बिहार का एक एक बच्चा बच्चा को पता है कि सोनू भैया कितनी इंसान है। सिर्फ मेरे कहने के बदौलत सोनू भैया कोरोना काल में लमसन 15 बस बिहारियों के लिए दिए थे, मेरे वजह से सिर्फ, तो मेरे लिए नहीं दिए थे, सोनू भैया बिहारियों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। आज बिहार में पूरे विश्व के पूरे भारत के मसीहा जो हैं सोनू सूद, वह आ रहे हैं बापू सभागार में। आप देख सकते हैं कि पोस्टर बैनरों के माध्यम से 2 दिनों का टूर है बिहार की राजधानी पटना में, और उनको देखने के लिए तमाम जगहों से लोग, पूरे भारत के कोने कोने से बिहार के सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि सोनू सूद जी वही व्यक्ति हैं जो कि पूरे भारत और पूरे बिहार के लोगों को जब कोरोना काल चल रहा था एक एक लोगों की मदद उन्होंने अपने स्तर से पूरी तरह से किया है, अभी भी वह करते आ रहे हैं। हालांकि उनको देखने के लिए अभी लोगों की संख्या कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे उनको आने का टाइमिंग होगा 4 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। अभी हमारे साथ अमनौर से एमएलए कैंडिडेट हैं उज्जवल जी, उज्जवल उर्फ छोटू कुमार सिंह जी, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको सोनू सूद जी का स्वागत कैसे करना है? आप सोनू सूद जी के स्वागत में पूरा बिहार के कोना कोना से लोग, तमाम लोग आ ही रहे हैं और आ रहे हैं। छपरा में हमने 101 बैनर लगवाए हैं सोनू भैया के स्वागत में। सोनू भैया सिर्फ हमारे बिहार के नहीं पूरे देश के मसीहा हैं। जहां भी बिहार में आप जैसे बिहार से बाहर जाएंगे ना, तो लोग आपसे पूछता है आप कहाँ से हैं, तो लोग आप बोलेंगे बिहारी हैं। अच्छा अच्छा बिहारी हैं, तो मतलब बिहारी लोगों को बिहार से बाहर में इस तरह से देखा जाता है ना, जैसे कि हम लोग कुछ कुकर्म करके बिहार से गए हुए हैं। लेकिन एक पंजाबी होने के नाते, एक बहुत बड़ा स्टार होने के नाते, और हमारे बिहार को सोनू भैया जो बिहारियों को योगदान देते हैं ना, गरीब, खास करके गरीब बिहारी को, उसके लिए हम लोग एक एक बिहारी सोनू भैया का ऋणी है। और इसीलिए हम लोग सोनू भैया के स्वागत में बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा बॉलीवुड के एक्टर आते हैं, लेकिन कोई कब आया कब चला गया कोई जानता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन बिहार का एक एक बच्चा बच्चा को पता है कि सोनू भैया बिहार में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोनू भैया के स्वागत में लगे हुए हैं, 4-5 दिन से सोनू भैया के स्वागत में ही लगे हुए हैं। उनका कार्यक्रम यहाँ पे तो है, यहाँ कब से होगा, टाइमिंग थोड़ा बताइए, जो लोग अगर देख कर आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो क्या क्या टाइमिंग। 4 बजे से यहाँ कार्यक्रम है, 2 बजे सोनू भैया का फ्लाइट लैंडिंग होगा और एयरपोर्ट में 2 बजे हम लोग उनका स्वागत करेंगे, और 4 बजे से यहाँ बापू सभागार में उनका कार्यक्रम है। तमाम लोगों से क्या कहना चाहेगा जो कि अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा लोकेशन के बारे में? तमाम बिहारियों से अनुरोध है कि आप लोग आएँ और सोनू भैया का कार्यक्रम को सफल बनाएँ। सोनू भैया को आप लोग और हम बिहारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सोनू भैया को बिहारी लोग नहीं देखेंगे तो क्या आंध्र प्रदेश के लोग आएंगे देखने? बिहार में कोई बच्चा का तबीयत खराब होता है तो सोनू भैया आगे आते हैं। सोनू भैया को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन वो एक इतना नेक दिल इंसान है। सिर्फ मेरे कहने के बदौलत सोनू भैया कोरोना काल में लमसन 15 बस बिहारियों के लिए दिए थे, मेरे वजह से सिर्फ, तो मेरे लिए नहीं दिए थे, सोनू भैया बिहारियों के लिए दिए थे। उसमें मेरे परिवार का कोई नहीं आया था, बिहार के लोग आए थे। तो इसीलिए आप लोग से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और सोनू भैया के स्वागत में आप लोग बापू सभागार में आएँ और सोनू भैया का स्वागत करें। अच्छा, इसके अलावा सोनू सूद जी के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सक्षम हैं गरीबों की मदद करने के लिए अपने स्तर से, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो सोनू जी को देखकर आज क्या संदेश जाएगा बिहार के तमाम उन लोगों के लिए? बिहार में एक व्यक्ति है जो सोनू भैया के रास्ते कदम पर चलने का प्रयास करके और बहुत आगे तक भी बढ़े हैं, जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, मनीष भैया। जी जी सही बात। अभी बिहार में कोई क्राइम होता है ना, तो लोग ये नहीं बोलता है कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस से पहले जी लोग बोलता है कि मनीष कश्यप को बुलाओ। तो बिहार में भी बहुत सारे पैसा वाले लोग हैं, इच्छा शक्ति है, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका दृढ़ इच्छा संकल्प नहीं है कि बिहारियों को आगे बढ़ाएं।
मनीष भैया को व्यक्तिगत रूप से हम जितना जानते हैं वो बहुत गरीब परिवार से हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अब तो पूरा उनका जीवनी है, आप लोग देख सकते हैं। वो हमको लगता है अपने इनकम का 50% लोगों में खर्च कर देते हैं, जहां बजाते उनके हैं पास 10,000। उनके पास कभी कभी पॉकेट खर्च का पैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोगों का मदद करते हैं। तो इच्छा शक्ति है, लेकिन लोग करना नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं करना तो चाहिए, क्योंकि आपका फर्ज बनता है, भगवान ने आपको दिया है, आपने कमाया है। अगर आपसे हो सकता है जितना हो सके, ऐसा नहीं कि आप पूरा दान कर दीजिए, लेकिन जितना हो सके करना तो चाहिए, फर्ज बनता है आपका। मनीष भैया को देख के बिहार में बहुत सारा छोटा छोटा लोग जो है ना वो करने का शुरू कर दिए हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग जितना लोग भी हैं कम से कम एक एक लोग का मदद करें, हम सभी में सोनू भैया का दृश्य झलके, तभी हम लोग सारा लोग सारा भाई समाज मिलके बिहार को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमारा दादाजी पलायन किए, हमारे पिताजी पलायन किए, हम लोग भी पलायन किए, हमारे बच्चा भी पलायन करेगा और उसका बच्चा भी पलायन करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को आगे आना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास संभव हो सकता है। अच्छा, मनीष कश्यप भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को, बिहार वासियों को तो मदद कर ही रहे हैं, इसके बाद बाहर भी जाकर, उड़ीसा से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ था, उनसे पूरा भारत में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि जहां भी जा रहे हैं मतलब उलझने पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे टांग खींचने वाले लोग जैसा कहा जाता है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, अभी एक चीज़ हो गया है, या तो मनीष कश्यप का सपोर्ट करो, नहीं तो विरोध करो, दोनों चीज में से एक ही करना है आपको, बीच का ऑप्शन नहीं है कि उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो विरोध जो कर रहे हैं ना, वो उन मनीष कश्यप जी का विरोध नहीं करते हैं, वो अपने छवि को चमकाना चाहते हैं कि लोग हमको देखे, हमारा व्यू बढ़े। किस मुद्दा पे आप मनीष कश्यप का विरोध करना लेकर हैं? आप बोलते हैं मनीष कश्यप RSS का लोग है, आप बोलते हैं मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मनीष कश्यप का जो 18 केस है उसमें से 4 केस मुस्लिम को समर्थन करने के लिए 4 केस किया गया है मनीष कश्यप के ऊपर। तो सिर्फ विरोध कर देना होता है क्या? मुस्लिम का आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप, हिंदू का आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसके लिए मनीष कश्यप। तो फिर जो विरोध कर रहे हैं ना, वो विरोधी भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन वो TRP का जरिया बनाना चाह रहे हैं। वो मनीष कश्यप का विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि वो मेरे सामने लाइए, उनको अपने दिल पे हाथ रख के बुलवाइए, तो क्या वो मनीष कश्यप के दिल से विरोधी हैं क्या? आप लोग विरोध कीजिए, लेकिन कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो उसका मनीष भैया का एक वर्ड है, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। तो हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास कीजिए, पैर मत पकड़िए। उड़ीसा पिछले मंथ में, हाँ पिछले महीने में मनीष भैया उड़ीसा एक यूनिवर्सिटी में गए थे, चाहते तो वहाँ से बहुत सारा उनको रुपया भी मिलता, लेकिन वहाँ से एक डिमांड किए कि नहीं बिहार में भी एक उसी प्रकार का निशुल्क यूनिवर्सिटी बने। उसमें मनीष भैया का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो शादी भी नहीं किए हैं, उनका भाई भी कोई नहीं है पढ़ने वाला जो पढ़ेगा, वो बिहार का ही कोई भाई पढ़ेगा। तो वो जो बिहार, अभी पहले बड़े बड़े नेता के लोगों के कारण बिहार को जाना जाता था बिहार से बाहर, कहीं ना कहीं अभी मनीष भैया के वजह से बिहार को बाहर में जाना जा रहा है, अब उनका विरोध कर रहे हैं, तो TRP का जरिया है। देखिए, जो बातें आप नहीं जानते होंगे आज से पहले, आज जान जाइए कि 18 में से 4 केस मुस्लिमों का समर्थन करने की वजह से हुआ था। तो नहीं वह कभी जाति देखते हैं, ना ही धर्म देखते हैं, और मदद करने के लिए जो जिसको ज़रूरत है मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग टांग खींचकर पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट तो करना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करिएगा तो सपोर्ट कीजिए, लेकिन टांग खींचने वाले लोगों के लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं संदेश होगा और देख करके सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे टीम को भी।